हेलो एवरीवन दिस इज शालिनी एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में इस वीडियो में हम सीटेड पेपर वन दिसंबर 2019 नाइनटीन का जो ईवीएस वाला पोर्शन है उसको कवर किया है इससे पहले हमने सेवन पार्ट्स इसके अपलोड कर चुके हैं जिसमें सीडीपी एंड मैथमेटिक्स को भी कवर किया है उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इससे रिलेटेड अगर आपको और कंटेंट चाहिए एमसीक्यूज चाहिए तो उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारी वेबसाइट मैटा एजुकेशन डॉट को डॉट इन पर जाकर आप उन सारे कंटेंट यानी की एमसी क्यूज एंड टेस्ट सीरीज को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और अगर आपको कोई बुक भी चाहिए सी टेट से रिलेटेड तो उसका लिंक भी कि आप कौन सा बेस्ट बुक है आप बाय करें वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सो so, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अभी तक हमने सेवेंटी क्वेश्चन को कवर किया है नेक्स्ट इस वीडियो में हम नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए ये नहीं बता रहे हैं वो ध्यान के आपको आंसर देना है ऑप्शन नंबर वन इज टू नर्चर द क्यूरसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचर नेचुरल एनवायरमेंट विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना सेकेंड टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज टू एक्वायर बेसिक कॉगोनेटिव एंड साइकोमोटर स्किल्स थ्रू ऑब्जर्वेशन क्लासिफिकेशन इन्फ्रेंस एटसेट्रा अवलोकन वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना थर्ड इज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप्स बिटवीन द नेचुरल सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट प्राकृतिक सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना ऑप्शन नंबर फोर इज टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स अमंग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी का जल्दी बताइए यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर to develop precise quantitative skills among children through understanding of environmental issues evs पढ़ाने का यह पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इसलिए 1 2 3 हमारे तीनों करेक्ट हैं फोर्थ इज अ रॉन्ग आंसर अकॉर्डिंग टू ncf 2005 की ऑब्जेक्टिव नहीं है evs का ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 EVS for class third to five is a subject area which integrates पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं तीन से पांच तक के लिए विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है फर्स्ट द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस रहते हैं विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दे सेकेंड द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन तीनों को शामिल कर लिया इन्होंने पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को थर्ड द कॉन्सेप्ट की अवधारण और मुद्दों को फोर्थ दशूर्मेंटल पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को सो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू को जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा ये द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू द कॉन्सेप्ट एंड इशूज ऑफ साइंस सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन ईवीएस में तीनों की हम बात करते हैं साइंस बिक की भी बात करते हैं सोशल साइंस की भी बात करते हैं और एन्वायरमेंट की भी बात करते हैं इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू फॉर मोर कंटेंट एंड मोर अपडेट्स यू कैन लॉग इन आर वेबसाइट मेटा एंड आप हमारे डिफरेंट जो सोशल साइट पेजेस हैं उनको आप फॉलो या लाइक like कर सकते हैं जैसे हमारे इंस्टाग्राम पेज हुआ टेलीग्राम ग्रुप हुआ या पेज एंड ग्रुप इन सभी पर आप जुड़ सकते हैं और अगर आपको सीटेट से से रिलेटेड बेस्ट बुक्स चाहिए तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है फर्स्ट ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास वन टू फाइव पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो एक से पांच तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है ये तो गलत है अभी हमने देखा था तीन से पांच पढ़ाया जाता है सेकेंड फॉर क्लासेस फर्स्ट एंड सेकेंड ईस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथेमेटिक्स एक सेकेंड तक की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है थर्ड फोर क्लास सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ एंड कंसर्न ईवीएस आर टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स थर्ड और फाइव की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है ये दोनों क्वेश्चन हमारे इंटर कॉन्ट्राडिक्टी या स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर फोर फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड कंसर्न एंड इश्यूज ऑफ आर टॉट थ्रो साइंस एंड सोशल साइंस फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो भी कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं इन चारों में से क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए yes, ये एस एस का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर टू फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में ईवीएस को लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है उसके अलावा थर्ड भी हमारा गलत है क्योंकि सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में तो प्रॉपर सब्जेक्ट होता ही है और फर्स्ट एंड सेकेंड में जो फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है वो कह रहे हैं आर आर ऑफ टॉट साइंस 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 एंड एंड सोशल सोशल और फर्स्ट में नहीं पढ़ाया जाता इसलिए वहां पे हम मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के थ्रू ही ईवीएस को पढ़ाते हैं आई होप आपको रीजन भी समझ में आया होगा करेक्ट आंसर का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर चिल्ड्रेन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन दिस इंडिकेट्स दैट बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है यह इंगित करता है कि फर्स्ट ईवीएस इज लर्न थ्रू रूट पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जा सकता है सेकेंड ईवीएस इज लर्न थ्रू इन्फॉर्मेशन पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है थर्ड ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है फोर्थ ईवीएस इज टीचर सेंटर्ड पर्यावरण अध्ययन अध्ययन शिक्षक केंद्रित है देखिए स्टेटमेंट समझते हैं क्या था चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ई वी एस थ्रू एक्सप्लोरेशन जो बच्चे हैं वो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय अगर उन्हें दिया जाता है पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए ये चीज़ दी जाती है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही है सेवेंटी फोर का हम देखते हैं कौन सा आंसर सही है जल्दी से बताइए इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थ्री इट इज़ चाइल्ड सेंटर पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है जब भी हम बच्चों के द्वारा उनके खुद के एक्सपीरियंसेस या एक्सप्लोरेशन के द्वारा या सेल्फ एक्टिविटीज के द्वारा सीखने की बात करते हैं तो वो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड हो जाता है इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम थीम अंडर द सजेस्टेड इन ईवीएस सिलेबस निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों उप प्रकरण है फर्स्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स पर्यावर और मित्र सेकंड फूड भोजन थर्ड एनिमल्स जानवर फोर्थ थिंग्स वी मेक एंड डू हम चीज़ें कैसे बनाते हैं सेवेंटी फाइव का आंसर जल्दी बताइए कि ई का जो भी एक सजेस्टेड थीम है सिलेबस का सब थीम इनमें से क्या है चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं येस द करेक्ट आंसर इज एनिमल्स जानवरों के बारे में जो भी हम सीख रहे हैं वो हमारा आ जाता है पर्यावरण अध्ययन में इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा

बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना थर्ड लीनियर अरेंजमेंट ऑफ सिक्स थीम्स ऑफ ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के छह प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना एंड फोर्थ केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना इसमें से ईवीएस टीचर के लिए क्या डिजायरेबल प्रैक्टिस है देखिए इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए फोर्थ तो होगा नहीं टेक्स्ट बुक पर केवल डिपेंड एक टीचर रहेगा तो वो अच्छी चीज़ नहीं है थर्ड है लीनियर अरेंजमेंट करना थीम्स का वो भी सही ऑप्शन नहीं है फोर्थ है इंकरेजिंग सेकेंड है इंकरेजिंग चिल्ड्रन्स टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ ई वी ईवीएस बच्चों को इंकरेज करना कि वो ई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लाएं ये एक ठीक ठीक हो सकता है पर फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट इज एड्रेसिंग मल्टी कल्चर डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना तो डिज़ायरेबल प्रैक्टिस अगर हम सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो सही होगा फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि मल्टी कल्चर डायमेंशन जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम्स के अगर हम वो संबोधित करेंगे क्लास में उनको एड्रेस करेंगे तो ये हमारे लिए टीचर के लिए एक डिज़ायरेबल प्रैक्टिस होगा बच्चों को इनक्रेज करते हैं इन्फॉर्मेशन जुटाओ या प्रोजेक्ट्स बनाओ वो इतना अच्छा ऑप्शन भी नहीं है तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्पोर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय चिल्ड्रन निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है ए एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन बच्चों का सक्रिय भाग लेना बी कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन बच्चों के समुदाय के सदस्य सी टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है

तो वो ऑप्शन हमारा जरूरी सही होता टेक्स्ट बुक को इतना इम्पोर्टेंस हम नहीं देंगे पर क्योंकि इसमें ए बी ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है इसलिए ए बी और सी हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे क्योंकि सिलेबस नहीं होगा तो बच्चों को पता क्या चलेगा पढ़ना क्या है तो इसलिए थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस तो बुक को भी दिया जाता है तो इसलिए ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज इन ईवीएस लर्निंग थ्रू बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है कैसे बच्चों को जोड़ा जा सकता है अगर ई वी एस लर्निंग उन्हें सिखानी है हमें तो फर्स्ट इज नरेटिव्स वृतान्त सुनाकर स्टोरीज कहानियों से सी इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाई टीचर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या से एंड डी इफेक्टिव डेमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय टीचर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या करने से यस yes, जो तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू ए एंड बी ओनली यानी कि अगर हम बच्चों को यदि हमें बच्चों को ई पढ़ाना है बहुत अच्छे से तो उसके लिए अगर हम उन्हें नेरेटिव्स या व्रतान सुनाएंगे कब क्या हुआ स्टोरीज बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को सीख पाएंगे इसलिए इसका ऑप्शन टू है वो हमारा करेक्ट है अब देखिए इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय टीचर अगर वो बच्चों को केवल कॉन्सेप्ट ही समझाता रहेगा तो वो हमारा लेक्चर मेथड हो गया ना कि थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट नहीं है और डी क्यों नहीं करेक्ट है वो देखते हैं इफेक्टिव डेमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय द टीचर सी में क्या कर रहा है टीचर वो लेक्चर मेथड यूज कर रहा है डी में क्या कर रहा है लेक्चर कम डेमॉन्स्ट्रेशन मैथड यूज़ कर रहा है तो ये दोनों लीस्ट यूज्ड मेथड हैं जो सबसे कम यूज करने चाहिए बच्चों के लेवल पे इसलिए अगर टीचर नैरेटिव्स बता रहा है या स्टोरी सुना रहा है तो वो इफेक्टिवली ईवीएस को बच्चों तक पहुंचा पाएगा इसलिए मेक पिक्चर्स ऑन देयर ओन इज और आर टू पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है इसमें से क्या क्या उद्देश्य हो सकता है इस काम के लिए फर्स्ट डेवलप क्रिएविटी क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रेन बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना बी डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रेन बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना सी डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रेन बच्चों में सौंदर्य गत संवेदना का विकास करना वो क्या कर रहा है टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करने को बोल रहा है कि वो एनिमल्स को ऑब्जर्व करें और उनके पिक्चर बनाए तो इसमें से क्या सही ऑप्शन होगा सेवेंटी नाइन का yes इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए बी एंड सी तीनों क्योंकि जब बच्चा कुछ ड्रॉ कर रहा है देख के बना रहा है तो उसकी क्रिएटिविटी जरूरी है बढ़ेगी बढ़ेगी उसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता भी बढ़ेगी दे अवलोकन करने की जो क्षमता है एंड डिज़ाइन ऑफ डिज़ाइन स्किल्स भी उसकी एनहांस होगी होगी एस्थेटिक सेंस ऐसे एनहांस होगा कि वो उन एनिमल्स में ब्यूटी ढूंढ पाएगा ब्यूटी के आस, आस्पेक्ट को समझ पाएगा सौंदर्य के आस्पेक्ट को समझ पाएगा इसलिए ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट्टी इन EVS, learning of लर्निंग ऑफ arts आर्ट्स working वर्किंग इन ग्रुप्स encouraged because पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन जो करेक्ट है वो सेलेक्ट करना है ए ग्रुप लर्निंग इज ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन ऑफ द क्लास कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है ग्रुप लर्निंग लर्निंग प्रमोट्स पीयर समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है सी ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतक्रिया को बेहतर करता है डी ग्रुप लर्निंग हेल्प्स इन कम्प्लीटिंग द सिलेबस ऑफ ईवीएस इन टाइम समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए वो बताइए एटी का ए और डी ओनली बी और डी ओनली बी और सी ओनली और सी एंड डी ओनली तो देखिए एटी का अगर हम आंसर देखें तो उसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर थ्री बी एंड सी ओनली क्यों होगा बी करेक्ट एंड सी करेक्ट देखिए ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग यहाँ पर ये क्या कह रहे थे इन इनवियस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट्स वाइल्ड वर्किंग इन ग्रुप्स ग्रुप में काम करने की बात कर रहे हैं तो ये क्या इंकरेज करेगा ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पियर लर्निंग पीयर लर्निंग यानी कि सहपाठी द्वारा सीखने को प्रमोट कर रहा है ये इसलिए सही है सी क्या है ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन बच्चों में जो आपस में सामाजिक अंतक्रिया करने की बात होती है कम्युनिकेशन वो भी एनहांस होगा इसलिए बी और सी तो सही है ही है अब ए और डी क्यों नहीं है सही वो देखते हैं ग्रुप लर्निंग इज ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन ऑफ द क्लास ये बिल्कुल गलत दे रखा है कि बच्चे अगर ग्रुप में सीख रहे हैं तो टीचर को ईजी रहेगा कि वो क्लास में जो अनुशासनहीनता है उसको रोक पाए जब हम ट्राई करते हैं ग्रुप में बच्चों को पढ़ाने का तो इतना अनुशासन जो है वो बच्चे अनुशासनहीनता करते हैं कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है एक इफेक्टिव टीचर ही ये वाले काम कर सकता है इसलिए ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है डी क्या है ग्रुप लर्निंग हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ ईवीएस इन टाइम ग्रुप लर्निंग से क्या होगा कि सिलेबस जो है ईवीएस का वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा नहीं ऐसा भी नहीं होता ग्रुप लर्निंग में जब हम पढ़ाते कर... हैं बच्चों को तो हमें ज़्यादा टाइम देना होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत अच्छे से उसको समझाना होता है इसलिए एक अच्छा खासा टाइम लगता है ऐसा नहीं है कि ग्रुप में पढ़ा दिया तो जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो बी और सी ही इसके करेक्ट आंसर होंगे आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चन एम चाहिए तो आप हमारे चैनल का जो वेबसाइट है मेटा एजुकेशन डॉट को डॉट इन वहाँ पर हमने फ्री सीरीज आप लोग के लिए अपलोड की हुई हैं उनको जाके देख सकते हैं और वहाँ पर एम भी हमने दिए हुए हैं जिनको आप जाके एक्सेस कर सकते हैं आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है देन लाइक दिस वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आर चैनल थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे